हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टमाटर के पराठे। ये बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए ये रेसिपी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 इंच तक के अदरक का पीस लिया है और कुछ जवे लहसुन के लिए हैं। हम इसे सबको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने मिक्सी जार में टमाटर काट के डाल दिए हैं। इसके बाद हम इसमें लहसुन की जवे ऐड करेंगे, उसके बाद अदरक का पीस ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून तक के ज़ीरा ऐड करेंगे। उसके बाद 1.5 टीस्पून तक के लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और यहाँ पे हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी इतना पानी होता है। और मिक्सी जार को कवर करके हम पीस लेंगे सभी चीज़ों को। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें मैंने पेस्ट ऐड कर दिया जो हमने टमाटर का पीस के रखा था। अब इसमें हम आटा ऐड करेंगे, तो 2 कप तक के आटा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सब एक साथ नहीं ऐड करेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, इसी टमाटर के बैटर में हम आटा गूंद लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा हम आटा ऐड करते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। तो यहाँ मैंने कुल 2 कप तक के आटा गूंदा है। तो मैं यहाँ पे धनिया पत्ता ऐड करना भूल गई थी, तो आप टमाटर के पेस्ट में ही धनिया पत्ता ज़रूर ऐड करें, पर मैंने यहाँ पर आटे में ऐड कर लिया है। और देखिए, आटा भी अच्छे से गूंद चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे 15-10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं, 15-10 मिनट के बाद आटा अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। तो यहाँ पे आटा रेडी है, अब हम इसके फटाफट से पराठे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है और मैं यहाँ पे गोल पराठे बना रही हूँ। आप चाहे कोई भी शेप के पराठे बना सकती हैं, तो मुझे गोल ही पराठे पसंद आते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे जो पराठे हैं टमाटर के, इसका थोड़ा सा कलर लाल सा होगा, नॉर्मली पराठों की तरह नहीं होंगे। तो लीजिए, हमारे यहाँ पे एक पराठा बेल के तैयार है। अब मैंने यहाँ पे तवा भी अच्छे से गरम कर लिया था पहले से, तो अब हमने यहाँ पराठा डाल दिया है और दोनों तरफ से हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल लगाएंगे दोनों तरफ से और फिर सेक लेंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे कोकोनट वर्जिन ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड ऑयल है, इसे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल की जगह पर, और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको ये कोकोनट वर्जिन ऑयल परचेज़ करना है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पराठा बनके रेडी है। इसी तरह से मैं यहाँ पे सारे पराठे तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, हमारे यहाँ पे टमाटर के पराठे रेडी हैं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व करिए या फिर टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, तो एक बाइट तो बनती है, उसे तो रहा नहीं जा रहा है। एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करें। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।